सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर आदौर में एक कार ने कांवड़ लेकर जा रहे कांवड़ियों को टक्कर मार दी, जिससे करनाल के पस्ताना निवासी राकेश चंदा मुन्नी घायल हो गए। हादसे में गुस्साए कांवड़ियों ने रोड पर जाम लगा दिया, जमकर नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह उग्र हो गए और आरोप था कि पुलिसकर्मियों ने ही यहाँ से आरोपी चालक को भगा दिया है। उग्र कांवड़ियों ने पहले कार में काफी तोड़फोड़ की और बाद में उसे सड़क के बीच में लाकर आग लगा दी। मौके पर फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियां पहुंची और आग को बुझाया। डीएसपी सुभाष व डीएसपी रजत गुलिया पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। भारी पुलिस बल को देख कांवड़ियों ने जाम खोल दिया। करनाल के गांव पस्ताना के कांवड़िये राकेश चंदा मुन्नी व सूरज हरिद्वार से कांवड़ लेकर आ रहे थे, जब वह सहारनपुर कुरुक्षेत्र रोड पर रादौर में पेट्रोल पंप के पास पहुंचे, तभी सामने से आ रहे वाहन को बचाने की कोशिश में उन्होंने होंडा सिटी कार ने टक्कर मार दी, जिसमें चंदा मुन्नी व राकेश गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हादसे से गुस्साए कांवड़ियों ने रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने का पता लगते ही डीएसपी रजत गुलिया व डीएसपी सुभाष चंद्र पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने उन्हें समझाने की कोशिश की, इसी बीच वहां से कार चालक निकल गया। कांवड़ियों का आरोप था कि पुलिस ने आरोपित चालक को जानबूझकर यहां से निकाल दिया है। एक अफवाह यह भी फैली कि हादसे में एक की मौत हो गई है, जिससे कांवड़िया और अधिक भड़क गए। उन्होंने पुलिस के साथ भी अभद्रता की और सड़क पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। इतने में कुछ कांवड़ियों ने उठे और कार में तोड़फोड़ करनी शुरू कर दी। उससे पहले सड़क के एक किनारे लगाया, बाद में कार को पलटते हुए सड़क के बीच में लाकर आग लगा दी, जिससे मामला भड़क गया। आराम से जा रहे थे बिल्कुल, तभी ये तेज रफ्तार से गाड़ी आई और तीनों को टक्कर मार दी, और ना किसी पुलिस या कोई भी प्रशासन कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं था, और पुलिस वाले ने उसको तुरंत भगा दिया, उसको जिसने टक्कर मारी है यहाँ पर। और यहाँ पर दिखते खट्टर सरकार की नाकामी, एक भी पुलिस वाला यहाँ पर मौके मौजूद नहीं था। आप देख, गाड़ी पूरी स्पीड से जा रही है, जितनी भी गाड़ी जा रही है पूरी स्पीड में जा रही है, कोई सुरक्षा कोई समाधान नहीं यहाँ पर। ये खट्टर सरकार की नाकामी। ये बस्ताड़ा गांव से है, हाँ जी, करनाल के आगे है टूल टैक्स पास बस्ताड़ा गांव। इंसाफ चाहते हैं सर हम तो, जैसे कि मौके पर उसने पुलिस वाले ने तुरंत भगा दिया उसको, वहां से कार्रवाई नहीं की, कुछ भी नहीं किया, उसको सस्पेंड करना चाहिए सर। पुलिस अधिकारियों के साथ भी कांवड़ियों की जमकर बहस हुई। कांवड़िये आरोपित चालक को मौके पर लेकर आने की मांग पर अड़े थे। मामला बिगड़ता देख अन्य थानों से पुलिस फोर्स बुलाई गई। भारी पुलिस बल देखकर कांवड़िये खुद ही वहां से हटने लगे, जिसके बाद पुलिस ने होंडा सिटी कार की आग बुझाई और उसे सड़क के बीच से हटाकर यातायात सुचारू किया। एक एक्सीडेंट हो गया था जिसमें 4 लोगों को इंजरी हुई थी, उसके बाद रोड जाम हुआ था। सिचुएशन कंट्रोल में है, रोड जाम भी खुल गया और जिनको जो इंजर्ड हैं वो भी सारे ठीक हैं। वो एक्सीडेंट को लेके ही उगरते, कुछ भ्रम फैला दिया गया था, लेकिन अब सारी सिचुएशन सर कोई डेथ की नहीं, ऐसा कुछ वही भ्रम था, वो ऐसी कुछ कोई जो जिनको चोट लगी सर उनकी स्थिति क्या? दो चारों ठीक है।